जमवा रामगढ़ से बड़ी खबर, सीएम के कार्यक्रम में लापरवाही पड़ी भारी। कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं में लापरवाही पड़ी है भारी। आरएएस अनीता खटीक निलंबित की गई, कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए। प्राधिकृत अधिकारी जेडीए अनीता खटीक को किया गया निलंबित। जेडीए के स्टोर प्रकोष्ठ के मोहन लाल को भी निलंबित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर टेंट की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस कार्य में दोनों अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके तहत मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ये लापरवाही उन्हें भारी पड़ी है। और कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाएं जो की गई थी उनमें यहाँ पर लापरवाही देखी गई। प्राधिकृत अधिकारी जेडीए अनीता खटीक को निलंबित किया गया, साथ ही जेडीए के स्टोर प्रकोष्ठ के मोहन लाल को भी निलंबित किया गया। कार्यस्थल पर यहां पर टेंट जो है उसकी व्यवस्थाओं में लापरवाही देखने को मिली थी। साथ ही जमवा रामगढ़ में मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम था, वहां पर वो पहुंचे थे, लेकिन ऐसे में टेंट का जो पूरी व्यवस्थाएं थी उसको लेकर उनमें लापरवाही देखने को मिली, और ये लापरवाही उन्हें भारी भी पड़ती हुई दिखाई दी, जिसके तहत कार्यक्रम स्थल पर टेंट की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां उनको मिली, लेकिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके तहत यह फैसला लिया गया निलंबित का कार्यक्रम। और हमारे सहयोगी नरेंद्र चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र, मुख्यमंत्री का जमवा रामगढ़ का ये कार्यक्रम था, लेकिन वहां पर लापरवाही देखने को मिली, जिसके तहत अब दोनों को निलंबित कर दिया गया है। अब क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल मैम, मैं बताऊं आपको, मुख्यमंत्री राहत शिविरों का जायजा लेने के लिए लगातार क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को आज सुबह उनका भरतपुर में दौरा था, उसके बाद में 2 बजे उन्हें जम्बा रामगढ़ में भानपुर कला के अंदर सभा को संबोधित करना था। इसी दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों को फोन मैसेज आया कि जम्बा रामगढ़ के भानपुर कला में आंधी आने के कारण वहां पर लगा हुआ टेंट पंडाल गिर गया है, इसी वजह से सीएम को भरतपुर में ही इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में 2 घंटे तक सीएम करीब भरतपुर में ही रहे। इस दौरान उन्होंने विधायक गोपाल मीना से जब बात की तो उन्हें पता चला कि इस मामले में उन्हें झूठी सूचना दी गई है, जबकि वहां पर ऐसा कोई अंदर नहीं था, बल्कि गर्मी के कारण लोग परेशान भी हो रहे थे। इसका जिक्र सीएम ने अपने भाषण में आते ही किया कि उन्हें झूठी सूचना दी गई थी कि यहाँ पर टेंट गिर गया है, लेकिन यहाँ पर तो लोग परेशान है। इसमें इस पूरे मामले में हमने जब पड़ताल की तो पंचायत समिति सदस्य अशोक शर्मा ने बताया कि सीएम का कार्यक्रम 5 दिन पहले ही तय हो गया था और टेंट पंडाल 3 दिन पहले लगना था, लेकिन जेडीए अधिकारियों की लापरवाही के कारण 1 दिन पहले टेंट लगना शुरू हुआ था, जो कि सभा के दौरान 2 बजे तक भी पूरा नहीं लग पाया था। जी जी बिल्कुल नरेंद्र, क्योंकि अब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ये झूठी जो यहाँ पर बात की गई थी टेंटों के गिराने की, तो ऐसे में जब ये लापरवाही भी सामने आई है तो अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र पूरी जानकारी के लिए।